राम राम जी। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हो गया भाई शुक्रवार 8 मार्च, और आज फुल रेस्ट है भाई। और अभी खेतों पे घूमने के लिए आया हूँ भाई, मॉर्निंग वॉक पे। तो व्लॉग में बात कर लेते हैं भाई, संपन्न हुए टूर्नामेंट महल खुर्द की, जो कि टूर्नामेंट हुआ था 3 मार्च को। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था, और लगभग 60 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। और जो इस टूर्नामेंट में विनर टीम रही यूपी शास्त्री विद शेरू ढाबा, 1,11,000 फर्स्ट प्राइज था। तो फर्स्ट आई टीम को सभी प्लेयरों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और सेकंड टीम रही जयपुर टीम विद अंकित पथरेड़ी, तो सेकंड टीम रही, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कंबाइंड विनर रही जॉनसीना ममड़िया टीम और खड़वाली सचिन सुडाना। तो सभी विनर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया आपने। और जो सभी साइड टीमों ने इस टूर्नामेंट में शामिल हुई, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट को कामयाब बनाया आपने, अपना खेल का प्रदर्शन किया अच्छा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए कमेटी का, जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट किए टूर्नामेंट में, खाने पीने की व्यवस्था को लेके। और जो सबसे बड़ी बात है समय की, तो 10 बजे का जो सुबह का समय था सभी टीमों का वहां पहुंचने का, तो सभी टीमें टाइम से पहुंची। और शाम को, रात को 11 बजे फाइनल मैच संपन्न हो गया था भाई। तो बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि की बात है भाई ये, क्योंकि ये सभी लगभग सभी टूर्नामेंटों में देखा जाता है कि टीमें लेट हो जाती हैं, और उसी कारण फाइनल मैच भी रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे तक होते हैं, जैसा कि दिल्ली NCR हरियाणा में देखा जाता है भाई, स्पष्ट बात यह है। तो ये चीजें सुधरनी चाहिए भाई, लेट टूर्नामेंट ठीक नहीं है, दूर की टीमों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का, जिन्होंने टाइम से संपन्न कराया टूर्नामेंट को। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी भाइयों का, जिन्होंने मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मान किया, उनका खिलाड़ियों का सम्मान किया, पैसे दे के या फिर अनाउंसमेंट करके कि सम्मान किया जाएगा अच्छा प्रदर्शन करने पे या मैच जीतने पे। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं, इस गेम से जुड़े हुए हैं और इस गेम को बढ़ावा दे रहे हैं भाई। ऐसे ही जुड़े रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगता है, और इस गेम को और बढ़ावा मिलता है, टूर्नामेंट भी अच्छे अच्छे होते हैं भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बढ़िया टूर्नामेंट रहा। बस अफसोस की बात ये रही भाई कि हमारी टीम शामिल नहीं हो पाई इस टूर्नामेंट में, बाकी आगे कोशिश की जाएगी अभी कि टूर्नामेंटों में शामिल हुआ जाए और बढ़िया प्रदर्शन रहे सभी प्लेयरों का। और एक टूर्नामेंट अभी होने वाला है भाई, कल का यानी 9 मार्च का, 9 मार्च 2024, ये टूर्नामेंट है भाई हमारे हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, बलियाना गांव, गगन भाई के गांव में, जाथर भाई के गांव में ये टूर्नामेंट है। हाँ तो गाइज, मैं बात कर रहा था बलियाना रोहतक टूर्नामेंट की, जो कि कल होने वाला, और ओपन टूर्नामेंट है, फर्स्ट इनाम 31,000 रुपये है। तो अभी मैं घर निकल रहा हूँ भाई, और बैठक पे बैठ के और भी प्लेयर होंगे वहाँ पे, डिस्कस करेंगे और डिटेल में मैं बताऊंगा टूर्नामेंट की विशेषता और प्राइज सारा जो भी कुछ है टूर्नामेंट के बारे में। चलो मिलते हैं फिर बैठक पे, अब सिस्टम के साथ है ना। हाँ तो गाइज, अभी आगे तो भाई बैठक पे, खेतों पे घूम कर आए भाई बढ़िया। और अभी मेरे साथ बैठे हुए इंड्री टीम के सभी स्टार, थोड़ा शांत रहो ना, अभी मेरे साथ बैठे हुए इंड्री टीम के स्टार प्लेयर, सभी अच्छे प्लेयर भाई। जॉन्टी है हमारा, जॉन्टी जॉन्टी नेटमैन है हमारा, राम राम कर रहा है। और ये हमारे फौजी का लड़का है भाई उपांशु, ये भी बास्केटबॉल खेलता है, जगत भाई है,
इंड्री टीम से, युधिष्ठर हैं इंड्री टीम से, और मुख्तियार फौजी हमारा भाई समय सिंह के इंटरनेशनल प्लेयर है भाई। इनसे भी एक इंटरव्यू होगा, एक वीडियो स्पेशल बनाया जाएगा भाई के ऊपर। बढ़िया प्लेयर है समय सिंह के, और शूटिंग वॉलीबॉल के भी अच्छे प्लेयर हैं, और हमारे सीनियर प्लेयर हैं भाई। मंत्री जी नरेंद्र भाई हैं हमारे बड़े भाई हैं, और ये भी शूटिंग वॉलीबॉल खेलते थे जब प्योर टाइट खेलते थे। कब से मतलब कब खेले थे लास्ट टाइम आप टूर्नामेंट? 2009-10 में, 2007 में। तो 2007 में जब हमारी इंड्री टीम थी ना भाई, प्योर टाइट की बढ़िया टीम थी, तब हमारे भाई साहब खेलते थे, और हमारे परिवार के सभी जो भाई भाई हैं और हमारे चाचा जी अंकल जी सभी इस गेम से जुड़े हुए हैं। तो भाई बात कर लेते हैं, और थोड़ा अपनी बातें शांत रहो ना, 2 मिनट। तो भाई बात कर लेते हैं बलियाना टूर्नामेंट की, जिसमें कि मैंने जो डिटेल पढ़ी उसमें मैसेज में, उसमें एक सुन रहे हो सारे, उसमें एक नियम लागू किया गया है कि जैसे टीमें आती हैं, टाइमिंग का जो रखा गया 4 बजे का लास्ट टाइम रखा गया एंट्री का, तो 4 बजे के बाद जो टीमें आएंगी उनको बी पूल में रखा जाएगा, और 4 बजे से पहले जो टीमें आएंगे उन्हें रखा जाएगा ए पूल में। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैच होंगे और टाई डाली जाएंगी। तो मुख्तियार भाई साहब आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या ये नियम सही है, उचित है, सभी टीमों के संदर्भ में ठीक है? मुख्तियार बताइए कर दो बात या ले ले देंगे इस बारे में। रूल तो सभी के लिए सभी बराबर है वैसे तो, लेकिन दूर की जो टीम है उनके लिए थोड़ा सा टाइम अवेलेबल हो जाना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। दूर से टीम आई है, कोई ड्यूटी से आ रहा है, अपने से कोई कहीं से आ रहा है, तो काफी काम होते हैं अपने पारिवारिक उसमें, तो थोड़ा या फिर रास्ते में जाम वगैरह मिल सकता है। जी, तो इसमें थोड़ा सा उनको हिदायत देनी चाहिए, थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। जी, मैनेज करना चाहिए। मैं सहमत हूँ मुख्तियार जी से, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ ये जो लोकल टीम है वो जल्दी, उनको उनका सहयोग बनता है कि वो जल्दी पहुँचे, ताकि टाइम से हो सके मैच, मतलब फर्स्ट राउंड हो सके आराम से मैच हो सके, और जो दूर से आने वाली टीम है वो भी कोशिश करेंगे जल्दी चले। ये पूल मतलब का सिस्टम तो 5-6 बजे तक तो हाँ सभी पहुंचना ही चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वो अलग बात है कि जाम लग जाए और कोई दिक्कत आ जाए, पर अब अपने और से तो पहले ही चलना चाहिए बिल्कुल। और ये पूल का टाइम, पूल का थोड़ा ये सिस्टम बेकार है, क्योंकि पूल में कई अच्छी सी टीम एक पूल में हो जाती है, तो फिर वो मजा नहीं आता अलग राइड में। हाँ कि कमेटी ने ये कर दिया, हाँ तो अपने ऊपर क्यों लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो पूल का सिस्टम सही नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। पूल का सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, बिल्कुल। जी भाई ऐसा है कि जो पूल वूल का चक्कर है इसको खत्म करें, सबके पर्ची डालें हर राउंड में, और जो टीम दूर से आ रही है उनको 1-1.5 घंटे की छूट हो। ये नहीं है कि 8-8 बजे आए, जो लोकल टीम है वो 3 बजे जा रही है, और बढ़िया टीम टाइम दे रहे हैं आप 8 बजे का, तो 5 बजे लास्ट एंट्री दूर के लिए, 6 का लास्ट, वो जो ज्यादा दूर से आ रही, जैसे जयपुर वयपुर से, हाँ जो हरियाणा से टीम है वो 4 बजे जो नियर बाय है 5 बजे लास्ट होना चाहिए एंट्री का उनका, जो जयपुर जैसे दूर आ रही है पंजाब से आ रही है उनको 6 बजे तक का। बट ये पूल में रखना ये बढ़िया नहीं, ग्राउंड पे भी जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे भाई, वहां का भी दिखाएंगे दृश्य। चलिए मिलते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं ग्राउंड पे। उपांशु राम राम फिर है, फौजी का लड़का ही उपांशु। हाँ तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं एंट्री ग्राउंड पे, सुबह के 10 बज गए हैं भाई, प्रैक्टिस करेंगे मस्त अभी। परंतु हमारे ग्राउंड में ना दिन में आप खेल नहीं सकते, देखो एक तरफ ना ये धूप आती है भाई, सनलाइट आती है, तो अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। अभी तो खेल पाएंगे 1-2 घंटे, बाकी 12-1 बजे यहाँ सामने आ जाता है भाई सूर्य, तो इस वजह से हम नहीं खेल पाते हैं।
दूसरे ग्राउंड में अच्छे से, है ना। इसी वजह से मैं लास्ट टाइम हारा था मैच को, मुझे याद है। बाकी टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं भाई। बलियाना टूर्नामेंट रोहतक की, फर्स्ट इनाम है जिसमें की 31,000 रुपए, सेकंड इनाम है 21,000 रुपए, और थर्ड इनाम है 15,000 रुपए, और फोर्थ इनाम है 11,000 रुपए, ठीक है। बाकी 5 से लेके 8 तक जो टीमें पोजीशन पे रहेंगी उन सभी टीमों को 3100 रुपए दिए जाएंगे। एंट्री फीस है 300 रुपए टूर्नामेंट में। बाकी टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, ग्राउंड मैदान बहुत बड़ा भाई। बलियाना में हर साल टूर्नामेंट होता है, बढ़िया टूर्नामेंट कराएंगे, सभी भाई अच्छे हैं, कमेटी अच्छी है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, टूर्नामेंट में पहुंचे, समय से पहुंचे ताकि टूर्नामेंट समय से समाप्त हो सके। मेरी तो यही राय है आप सभी को, सभी इस वीडियो को, व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये डिटेल पहुंच सके सभी खिलाड़ियों के पास। बाकी अभी प्रैक्टिस करते हैं भाई, बने रहें अंत तक ब्लॉग में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमारे मोरे साहब जो कि सीनियर प्लेयर है हमारे, आ चुके हैं, प्रैक्टिस यही कराते हैं मोरे साहब कोच के तौर पे हमारे, जो कि महाराष्ट्र खेल के आए थे, नेशनल प्योर शूटिंग की नेशनल हुई थी महाराष्ट्र, कौन से सन में खेल के आए थे, सुरूर में ना, सुरूर में पुणे खेल के आए थे प्योर शूटिंग की नेशनल, तो तब से जुड़े हुए हैं इस गेम से, और अब भी कोच के तौर पर हमें मतलब बताते हैं इस गेम के बारे में। तो महेश भाई, टूर्नामेंट होने वाला कल रोहतक में, और टूर्नामेंट कैसा होना चाहिए, मतलब उन्होंने एक नियम लागू किया है कि 4 बजे से पहले जो टीमें इंटर करेंगी वहां पे उन्हें एक ए पूल में रखा जाएगा, और जो 4 बजे के बाद टीम आएंगी उन्हें दूसरे पूल में रखा जाएगा, वैसे ही मैच होंगे। तो आपकी क्या कहना है इस बारे में, मतलब ठीक है ये? बढ़िया, ठीक है जी। अच्छा, आदमी को आगे से आदमी को पता लगे कि भाई जो पहले जाएगा, पहले जाओ पहले पाओ वाला है सिस्टम, जो है बहुत बढ़िया है वो है। आपका कहना ये नियम सही है। 4 बजे से पहले, हाँ, जो पहले जाएगा पहले पाओगा, मतलब जो लेट होती है टीम है, वो टूर्नामेंट भी लेट करा देती है वो, इस वजह से। नहीं जी, आपका कहना ये सही है, बिल्कुल ठीक ठीक। चलो फिर मिलते हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो सभी, फिर मिलते हैं आपसे। राम राम, है ना। राम भाई, सभी भाइयों का स्वागत है आपका स्टूडियो में। और भाई सुबह में अच्छी प्रैक्टिस हुई, बढ़िया खेले, 3-4 मैच अच्छे लगे। बाकी कल के टूर्नामेंट में मिल रहे हैं हम सभी, अपनी टीम को लेके सम्मिलित हों टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। बाकी जो दूर की टीमें हैं वो अपना कमेटी से संपर्क कर ले समय के बारे में। बाकी टूर्नामेंट में जो भी अच्छे मैच लगेंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और रील वगैरह डाली जाती है। इंस्टाग्राम आईडी है ऑल इंडिया अंडरहैंड वॉलीबॉल के नाम से, 2700 रील ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं आप सभी की, जो अच्छे प्रदर्शन करता है, अच्छे शॉट लगाता है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल से जुड़े आप सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे आप बलियाना टूर्नामेंट में, एक दो इंटरव्यू वीडियो भी बनाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे आपको ग्राउंड वगैरह मैनेजमेंट कैसी, और सभी भाइयों से मिले। नेक्स्ट फेज में बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाले हैं, वो सभी ब्लॉग देखें। 8 बजे शाम को ब्लॉग डाले जाते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। राम राम सभी भाई।